24 मार्च शाम का 8 बजा है, होली, और मैं हूँ गोवर्धन गिरिराज में। ये दानघाटी मंदिर के दर्शन करिए। मेरे को करनी गिरिराज की परिक्रमा आज रात में। टुडे इज माय ट्रैवलिंग ब्लॉग स्टार्ट। ब्रज की होली अद्भुत है। आज होली दहन की रात्रि है और मैं हूँ गोवर्धन गिरिराज में। यहाँ से हमारी परिक्रमा स्टार्ट होगी 21 किलोमीटर। ये वही पर्वत है जिसको श्री कृष्ण ने अपने उंगली पे धारण किया था। हाँ, परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। विश्वास और आस्था, न लोष्टे विद्यते देवा, न पाषाणे, न काष्ठे, भावो ही विद्यते देवा, भावो ही तस्मात् कारणम्। परमात्मा ईश्वर भाव में ही निवास करता है और भाव से ही प्रकट होता है। तो यहीं से परिक्रमा स्टार्ट है। लोग भूमि पे लेट कर प्रणाम करते हैं, उसके बाद परिक्रमा स्टार्ट करते हैं गिरिराज गोवर्धन की। यह है बड़ी परिक्रमा और दानघाटी वाली, उसके अलावा एक छोटी परिक्रमा है। दोनों मिलकर 21 किलोमीटर की होती है। तो हम बड़ी परिक्रमा स्टार्ट करने जा रहे हैं। परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है, रात का लगभग 8:15 बज रहा है। देखिए, यहाँ होली जलाई गई है शुद्ध गोबर के कंडों से। जय हो होली का दहन। होली जलती, होली के दर्शन बहुत शुभ माना गया है सनातन धर्म में। कोई कोई श्रद्धालु ऐसे लेट के भी परिक्रमा करते हैं पूरी, कुछ भी पत्थर वगैरह हाथ में रहता है, एक बार करके उसको रखते हैं, फिर वहाँ से आगे आगे ऐसे, मतलब लेट लेट के ही पूरी परिक्रमा पूरी करते हैं। इसको दंडोती परिक्रमा बोलते हैं। आस्था और श्रद्धा का मामला है भाई। धर्म के जो लेटेस्ट अवतार हैं, निकटतम श्री कृष्ण, वो यहाँ पे गायें चराई है उन्होंने, यहाँ उनकी बाल लीलाएँ हुई है। और 5000 साल बहुत बड़ी अवधि नहीं होती है ब्रह्मांडी अवधियों में, तो अभी भी महसूस होता है यहाँ श्री कृष्ण का सानिध्य। हजारों लोग, लाखों लोग परिक्रमा करते हैं दिन में, काफ़ी लोग करके गए होंगे, त्यौहार है इसलिए सब घर पहुँच गए होंगे, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में लोग परिक्रमा मार्ग पर हैं। रात भर चलती है,
और गुरु पूर्णिमा जिसको इधर मुड़िया पूनम बोलते हैं उसमें तो पूछो मत। आप हो रहे हैं और हजारों की संख्या में देख सकते हैं आप।